हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सेवन सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में जो डिफरेंस है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन से हैं, उन्हें कैसे हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। तो कोई भी इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लेकर बनता है, जैसे कि 4x + 3 = 7। ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 4x + 3, उसे 7 के साथ इक्वेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, ओके। लेकिन जब आइडेंटिटी आता है तो आइडेंटिटी का इक्वेशन से ये डिफरेंस है कि कोई भी वैल्यूज ले ले उस आइडेंटिटी में, जो भी वेरिएबल्स हैं उसके लिए, वो LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। इसे इजीली समझने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला ले लेते हैं, a+b² = a² + 2ab + b². तो ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि आप कोई भी a और b का वैल्यूज आप डाल लीजिए, जो LHS का वैल्यू होगा वो RHS का भी वैल्यू होगा। तो ये एक इक्वेशन है, बट ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a एंड b दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। सो आइडेंटिटी इज एसेंशियली एन इक्वेशन इट्सेल्फ, वेयर इफ यू पुट वॉट एवर वैल्यूज फॉर द गिवन वेरिएबल्स योर LHS एंड RHS विल बी इक्वल, विच मीन्स इट विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन वर्सेज आइडेंटिटी हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसे जस्ट मैंने रिकैप करवा दिया ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो आइडेंटिटी हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं। क्लास टेंथ के सिलेबस में आपको 3 आइडेंटिटीज सीखना है, तो वो 3 आइडेंटिटीज़ हैं cos²θ + sin²θ = 1, 1 + tan²θ = sec²θ, और cot²θ + 1 = cosec²θ। ये तीन एक्चुअली 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ लग रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखिए तो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि वेरी सिंपल भी है, cos²θ + sin²θ = 1। बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ आप फर्स्ट से ही डिराइव कर सकते हैं, यानी कि आपको बस इसे याद रखने की ज़रूरत है और बाकी दोनों आप इसे डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आप ध्यान से देखिए, cos²θ + sin²θ = 1, अगर आप दोनों साइड cos²θ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी यहाँ भी cos²θ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अभी आप cos²θ से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्लियरली दिखेगा कि ये हो जाता है 1 + tan²θ = sec²θ। sec थीटा आपको पता ही है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 cos²θ बन जाता है sec²θ। तो आप देख रहे हैं 1 + tan²θ इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम द फर्स्ट इट्सेल्फ, फर्स्ट आइडेंटिटी इट्सेल्फ, जो कि है cos²θ + sin²θ = 1, ठीक है। सिमिलरली जो तीसरा है cot²θ + 1 = cosec²θ, इसे भी हम पहले वाले से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे, cos²θ + sin²θ = 1, यहाँ पर इस स्टेप में हमने cos²θ से डिवाइड किया था और इस स्टेप में हम sin²θ से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos²θ / sin²θ + sin²θ / sin²θ, ठीक है, = 1 sin²θ, जो कि बन जाता है cos²θ / sin²θ। क्या होता है, cos थीटा / sin थीटा होता है cot थीटा, ठीक है, cos θ / sin θ होता है cot थीटा। तो ये बन गया cot²θ + sin²θ / sin²θ बन जाएगा 1 = 1 sin²θ हो गया cosec²θ। तो आप देख रहे हैं ये जो तीसरा है वो भी फर्स्ट का ही एक्सटेंशन है। तो आपको 3 आइडेंटिटीज जानने हैं यूज करने के लिए, बट अगर आपको याद रखने की ज़रूरत है तो बस cos²θ + sin²θ = 1 याद रख सकते हैं। इनका जो डेरिवेशन है वो आप चाहे तो एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल,
और उस पर कॉस थीटा और साइन थीटा पुट करके देखिए और ये आइडेंटिटीज ट्रू हो जाएंगे। तो ये डेरिवेशन जो है, ये जो प्रूफ है वो एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर यू कैन डू दैट यूजिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड नेम द ट्राइंगल्स एंड यूज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कीजिए, आपको वो प्रूफ भी ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है, एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में लाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, इसे करने के लिए सबसे ईजिएस्ट तरीका ये है कि आप जहाँ रफ वर्क करते हैं वहाँ पर आप तीनों आइडेंटिटीज़ को क्विकली लिख लें। ठीक है, cos square theta plus sin square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta और cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta। ठीक है, इसे आप तीनों यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए कि sin a और cot a कहाँ से आपको मिल सकता है, इन तीनों में से जो trigonometric identities हैं उनमें से कहाँ आपको sin और cot के relation ईजिली आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए ये जो कोसिक है ये साइन का रेसिप्रोकल है और यहाँ कॉट है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं, वी नो दिस वन। ठीक है, अब आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन और कोसिक स्क्वायर थीटा के जगह पर वन बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर थीटा है नहीं, यहाँ पर ए है, तो हम ए एंगल को लेकर चलेंगे, यानी मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई साइन स्क्वायर ए। अब हमें साइन को एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म में, तो हम साइन निकालने का ट्राई करेंगे। यहाँ साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन ए, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। ठीक है, ये हो गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है sec a, sec a इन टर्म्स ऑफ cot a। आप फिर इन तीनों आइडेंटिटीज को स्कैन कीजिए कि आपको cot और sec कहाँ मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ cot और cosec है, यहाँ तो sin है। ठीक है, आपको चाहिए sec। सेकेंड वाले में आप देख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा है और sec स्क्वायर थीटा है, यानी sec थीटा है और cot के जगह पे tan है। इसका मतलब हम इजीली tan को cot के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो tan थीटा होता है, यानी tan ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cot। ठीक है, एंड वाइसी वर्सा, cot होगा tan का रेसिप्रोकल, tan होगा cot का रेसिप्रोकल। ओके, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी लेके चलेंगे, वी नो दिस वन, वी नो फ्रॉम द आइडेंटिटी दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर ए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको कॉट में चाहिए, तो आप टैन को क्या करेंगे, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, टैन स्क्वायर ए विल बी 1 बाई कॉट स्क्वायर ए एंड दिस विल बी सिक्स स्क्वायर ए। तो इसका मतलब सिक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब आप इसको स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो sec a का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर a। चाहे तो इसे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot a बाहर निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट के साइन से। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन का, तो उसे कहा जा रहा है, टैन को आप कॉट के टर्म्स में लिखिए। तो टैन ए इज डायरेक्टली वन बाई कॉट ए, इसमें कुछ
प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप इसे यहाँ पर एग्जाम के आंसर में लिख सकते हैं, टैन इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, बिकॉज कॉट ए रेसिप्रोकल होता है टैन के, तो टैन भी रेसिप्रोकल रहेगा कॉट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए और कॉट ए, इन पांचों को लिखना है सेक ए के टर्म्स में। तो सबसे पहला काम, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था, कि आप आइडेंटिटीज को रफ वर्क में लिख लें। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए साइन ए और सेक ए हमें कहाँ से मिल जाएगा। तो पहला वाला ही देख लें, साइन ए यहाँ से आपको मिल जाएगा, और जो सेक ए है वो हमें कॉस से मिल जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए का जो रेसिप्रोकल है वो सेक है और सेक ए का रेसिप्रोकल कॉस है। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम साइन के टर्म्स में हमें चाहिए, तो साइन को लेफ्ट हैंड साइड पे भी रख सकते हैं और बाकी को राइट हैंड साइड पे भेज दें। तो आपको मिल जाएगा साइन ए का वैल्यू, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो चाहें तो इसे एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक ए को बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ठीक है, तो साइन ए हो गया सेक ए के टर्म्स में। अब नेक्स्ट है कॉस ए, कॉस ए तो डायरेक्ट है 1 बाई सेक ए, क्योंकि सेक ए और कॉस ए रेसिप्रोकल्स है एक दूसरे के। टैन ए और सेक ए के लिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ टैन और सेक है, आपको टैन को सेक के टर्म में करना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये आपको पता है। तो टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी टैन ए जो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया आपका टैन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कोसेक और सेक के लिए आप सिंपली यहाँ देखिए कि पहले वाला कॉस है तो वहाँ से मुझे सेक मिल जाएगा, और साइन है वहाँ से भी मुझे कोसेक मिल जाएगा। तो पहले वाले को भी लेकर आप चल सकते हैं। ठीक है, तो कोसेक ए के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए को 1 बाई सेक स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसमें 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए लिख लें, चाहे तो माइनस 1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मिल जाएगा 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट हैंड साइड का, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लें।
कोसिक ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए बाय सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस माइनस सेक ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये आपका कोसिक ए हो गया सेक ए के टर्म्स में, ठीक है। और बचा कॉट ए, तो कॉट ए के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो तीसरा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइदर हम ये कर लें या फिर ये जो टेन ए हमने निकाला है ऑलरेडी, हमने टेन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन निकाला है, यहाँ से हम टेन ए को रिवर्स ले ले वन बाई कॉट ए का, ठीक है, कॉट ए का रेसिप्रोकल ले ले, ठीक है, प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कॉट ए आपको चाहिए तो आपको रेसिप्रोकल करना होगा फिर से, तो कॉट ए इज इक्वल टू वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन और यहाँ प्लस माइनस, ओके। तो हम देख रहे हैं कि टेन ए सेक ए के फॉर्म में हमने निकाल लिया, तो कॉट ए के लिए जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर ये टेन ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन है तो कॉट ए क्या हो जाएगा, सिंपली उसका रेसिप्रोकल वन बाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो प्रोसेस मैं फिर से एक बार क्विकली बता दूं कि रफ वर्क में आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों आइडेंटिटी आप रफ वर्क में लिख लें। उसके बाद आप देखें कि जो आपको निकालना है और जिसके टर्म्स में निकालना है वो आपको कौन सा आइडेंटिटी क्लियरली दे सकता है, और उसके बाद आप उसे एवेलुएट कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि लास्ट सेशन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो आप देख रहे हैं कि जो 63 है और 27 इफ यू ऐड देम यू विल गेट 90, ठीक है, विच मीन्स दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, तो वो कैसे करें वो भी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। जैसे कि कॉस 90 माइनस थीटा है तो उसका वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा जो है उसे हम कॉस थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ जो साइन 27 है, चाहे तो साइन 27 को लिख लें या फिर साइन 63 को ले लें, किसी एक को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, साइन 27 को लेते हैं, साइन 27 यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस 63, ठीक है, 90 माइनस 63 क्योंकि आप देख रहे हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन ऑफ 90 माइनस 63 यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन ऑफ 27, इसी का होल स्क्वायर है, चाहे तो एक और स्टेप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 73 डिग्री का स्क्वायर, यही है साइन स्क्वायर 27 मतलब साइन ऑफ 27 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 73 मतलब कॉस ऑफ 73 का स्क्वायर। अब आप कॉस 73 को भी साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस 17, जैसे कि हमने देखा कि 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, 17 और 73 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये आपका 90 हो गया, ठीक है। तो आप कॉस 73 को कन्वर्ट कर लीजिए कॉस ऑफ 90 माइनस 17 और उसका वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ 17 और इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस ऑफ 63, ये आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले सेशन में देख चुके हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट करना बाकी है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 27 के जगह पे साइन 90 माइनस 63, 90 माइनस थीटा साइन क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस 63, तो ये हो जाएगा कॉस 63 का स्क्वायर, और नीचे बन गया आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 73 बन गया कॉस ऑफ 90 माइनस 17 यानी साइन ऑफ 17, ये यूज़ हो गया साइन ऑफ 17 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप पढ़ चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 63 है न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा 1, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा 1। इसका मतलब आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करें, तो पहले यूज़ कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसी एक को चेंज करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर सम एंगल प्लस साइन स्क्वायर अनदर एंगल, ठीक है, तो कोई एक को आप कॉस में चेंज कर लीजिए ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप अप्लाई कर सकें। तो पहला हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, और दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि हमने इसी सेशन में सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ठीक है, वापस देखिए 25 और 65 जो है, 25 प्लस 65 जो है वो 90 हो जाता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आना है, तो आप क्या करते हैं किसी एक को कॉस में या साइन में चेंज कर लीजिए। पहले वाले जो टर्म है जो साइन 25 इंटू कॉस 65 है, उसमें से किसी एक को कॉस या साइन में चेंज कर लीजिए। हम साइन 25 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, ठीक है, 90 माइनस 65 25 डिग्रीज होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, कॉस ऑफ 65, ओके, तो साइन 25 कॉस 65 बन गया। अब दूसरे वाले टर्म में से हम चाहें तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस ऑफ 25 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 65 यानी साइन ऑफ 65, ठीक है। तो हमने पहले में से साइन को कॉस में और दूसरे में से कॉस को साइन में किया है, क्यों? पहला स्टेप देखिए, साइन को जब कॉस में कर रहे हैं तो ये साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, और दूसरे में कॉस को साइन में करेंगे तो ये भी साइन आ जाएगा, और साइन साइन स्क्वायर आ जाएगा, और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसी का यूज़ होना यहाँ जान पड़ता है। तो हम यहाँ पर इजीली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन 25 के जगह पे कॉस 65 इंटू कॉस 65, ठीक है, और दूसरे वाले में कॉस 25 के जगह पे साइन 65, ठीक है, यहाँ साइन 65 मल्टीप्लाइड बाई साइन 65। तो आप क्लियरली देख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 के टर्म्स में आ गया है, जो कि हमारा आइडेंटिटी कहता है कि वैल्यू जो है उसका 1 ही हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारा वेबसाइट है online.psa.in, इसे बुकमार्क करना ना भूलें। एक बार फिर से धन्यवाद।